तुहरी रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्नोबर और लियाकत प्रोग्राम स्नोबर मैरिज सर्विसेज देकर आपकी खिदमत में मौजूद है। आप तमाम लोगों के लिए ढेरों लाखों करोड़ों दुआएं, प्यार मोहब्बत और बहुत खूबसूरत नेक दिली ख्वाहिशात और तमन्नाएं लेकर हाजिर हुए हैं हम आपकी खिदमत में। विनस टेलीविजन 8 से 9 बजे इतवार का दिन, और हमारा और आपका साथ रहेगा 1 घंटे का, और इसमें करवाएंगे हम शादियाँ उन लोगों की जो गैर शादीशुदा हैं, कवारे हैं और शादी करना चाहते हैं, अपना जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं, अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत हमसफ़र लेकर वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद रंगीन और ख़ूबसूरत, दिलचस्प और रंगीनियों से भरपूर अपनी उस ज़िंदगी का मज़ा उठा सकते हैं, जो कि शादी के बाद, मेरा ख्याल है कि हर बंदा कहता है कि शादी जो है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन खट्टा मीठा चलता रहता है, और अगर आप खट्टा नहीं खाएंगे तो मीठे की लज्जत का क्या पता चलेगा, अगर मीठा नहीं खाएंगे तो खट्टे की लज्जत क्या पता चलेगा। तो शादी नाम है कभी खुशी कभी गम, जब शादी होती है तो बड़ी खुशी होती है, जब लड़ाई होती है तो गम होता है, तो इसलिए इसका होना बेहद ज़रूरी है। ये हर इंसान का एक पैदाइशी और फितरती हक है कि इंसान इस दुनिया में अकेले तो आता है लेकिन अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है, यानी कि अल्लाह ताला ने आसमानों पर जोड़े बनाए होते, कहा तो ये जाता है कि जोड़े आसमानों पर बनाता है बनते हैं, लेकिन उनको मिलाने के लिए, उनको यकजा करने के लिए कुछ मैरिज सर्विसेज, जिसमें आप देखते हैं कि स्नोबर मैरिज सर्विसेज इस वक्त माशाल्लाह बहुत ही क्या कहना चाहिए, शैतान की आंत की तरह मशहूर हो चुकी है, और बहुत सारी शादियां हम करवा चुके हैं, करवा रहे हैं और भी हो जाएंगी। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में मेरा बहुत ही प्यारे मेहमान और आप लोगों के हर दिल अजीज़ प्रेजेंटर, यानी कि जनाब लियाकत हारून अनीस साहब, मैं आप सब की तरफ से उनको बहुत एहतराम, बड़े प्यार और महब्बत से वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं हूँ लियाकत हारून अनीस, मैं आज स्नोबर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए स्नोबर मैरिज सर्विसेज प्रोग्राम लेके। जिन इलाके में टीवी की ट्रांसमिशन नहीं जाती, वो इंटरनेट थ्रू इंटरनेट हमारा प्रोग्राम वॉच कर सकते हैं, www.venustv.tv के ऊपर जा के। थोड़ा सा तारीफ, हमारा ये जो स्नोबर मैरिज सर्विस वेरी कॉन्फिडेंशियल, इसके आपको हमारे साथ रजिस्टर होना पड़ता है, फिर हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 2 रिश्ते हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि आपको दिए जाए। आप उन लोगों से बात करते हैं, बात बन जाए तो फाइन, अदरवाइज द फॉलोइंग वीक यू गेट 2 new contacts। जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट में आप अपनी डिटेल्स देते हैं, सेकंड पार्ट में आपको कैसा पार्टनर चाहिए, तो हम उसी हिसाब से कोशिश करते हैं आपके बेस्ट मैच जो करे वो चूज़ करके आपको नंबर्स दिए जाएं। स्नोबर ने आज येलो ड्रेस पहना हुआ है और मुझे वो अपनी शादी की मेहंदी वो याद आ रही है, माइयों, और साथ साथ पाकिस्तान में जर्दे की जो देग होती है वो भी जर्दा भी इसी कलर का, यानी आपका मतलब मैं इसको जर्दे की देग बनी हुई हूँ लगता था ऐसे। ओह माय गॉड, देखिए नाज़रीन क्या मेरा बड़ा दिल करता है मैं येलो कलर पहनूं, और ये भी एक्चुअली किसी माइयों का ही सूट है कि स्पेशल किसी के लिए खरीदा था माइयों के फंक्शन के लिए, तो मेरा दिल किया कि सम डिफरेंट कलर पहनना चाहिए, तो अगर आप मुझे जर्दे की देग कह सकते हैं तो डजंट मैटर, जर्दा भी बड़ा मज़े का होता है। कॉल ले लेंगे आप जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए क्या किया जाए। तो मैं बेल्जियम से बोल रहा हूँ जी, और बट मेरा नाम है जी, और मेरा एक कजन है वो यहाँ पे है, उसका यहाँ पे काफी अच्छा कारोबार है जी, तो वो शादी करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप डोंट माइंड करें, वैसे आपने जर्दे की देख है, वैसे ये जर्दे की देख है नहीं, इतनी अच्छी लग रही है आपने जर्दे की देख है। ये मियाँ ना, इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है मेरे साथ, झगड़ा लड़ाई है वो ना, छेड़ा छाड़ी। थैंक यू बाजी, यू आर सो स्वीट, थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट्स। जर्दा भी मजे की चीज़ है, अगर देख कह दिए तो क्या क्या फ़र्क पड़ गया, जर्दा सारे बड़े शौक से कर दें। बिल्कुल जी, तो आपके भाई की तफसील बताएंगे बट साहब। जी जी, वो मेरा भाई है, तो उसका यहाँ पे कारोबार है, तो वो शादी करना चाहता है। उसकी एज कितनी है और किस इलाके में? एज है 27। वो लाहौर से है। लाहौर से? यहाँ किस इलाके में? लंदन में या किस? नहीं, यहाँ पे लंदन में नहीं, हम लंदन बेल्जियम से बात कर रहे हैं। अच्छा, बेल्जियम से बोल रहे हैं। अच्छा, बेल्जियम से हमने बहुत शादियाँ करवाई हैं और हम वहाँ पे बड़े मशहूर हैं, और
आपके कजन की शादी भी मैंने जरूर आना है, क्योंकि बहुत लोग वहां पे इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल का। हमारा ईमेल एड्रेस आएगा ब्रेक से पहले और प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले। पेपर एंड पेन हैंडी रखें, जब भी आए नोट कर लीजिए, हमें ईमेल कीजिए, अपनी डिटेल भिजवाइए, हम उसी तरह आपको रजिस्टर करके आईडी नंबर इशू करेंगे और आपकी शादी का सिलसिला या टू फाइंड ए पार्टनर फॉर यू वो शुरू हो जाएगा। लेते हैं जी अगली कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, आपकी बारी आ गई, हमारे साथ बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक इनका टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा है, तो बहरहाल नाज़रीन जैसे कि आपको पता, क्या हाल है जी, थोड़ा ठीक हो? अच्छा जी, गुरबचन जी, फरमाओ जी, हेलो कर दिया उन्होंने भाई। हेलो, मैं क्या कहंदा ना, उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बिल्कुल, आपकी बसंत पंचमी देख के ना मेरा दिल कर रहा है। तो मुझे कई बार एक बार पूछते हैं कि लेडीज की उम्र क्यों बड़ी होती है हस्बैंड से, वाइफ की उम्र क्यों बड़ी होती है हस्बैंड से। मैं क्या, वाइफ के पास वाइफ नहीं होती इसलिए। बिल्कुल नहीं, तो कहते गले की दवा हो ना तो उसका इलाज करा लेना चाहिए, नहीं तो टीबी हो सकती है। गर्ल फ्रेंड भी टाइम से बदल लेना चाहिए, नहीं तो वो बीबी बन सकती है। सही क्या हाल है? ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू। मैं तो ना प्रोग्राम शुरू होने से पहले याद कर रही सी गुरुभजन सिंह जी के तुसी आए नहीं, बड़े रौनक ला देंगे। बहरहाल कहते ने कि नो लाइफ विदाउट वाइफ, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो यह भी एक गल हैगी, कभी कभी ये मतलब भी गल कर लिया करो, बीवी बगैर जिंदगी नहीं, मंदा में लंडूरा जा लगता है, फिर दाया। कॉल ले लेते जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी हेलो, हेलो, वालेकुम जी। जनाब फरमाइए, क्या किया जाए आपके लिए? आप टेलीविजन का वॉल्यूम बंद करें, उसको मत देखें, आप हमसे बात करें जी। हेलो, देखिए कॉल्स बहुत होती हैं, टीवी का आवाज बंद कर दो प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्या हेलो, हेलो जी, आप आवाज आ रही है, बात कीजिए जी। आवाज आ रही है, आप ठीक हो जी? अल्लाह का शुक्र, फरमाए क्या किया जाए आपकी? अच्छा, हम मैं लाइव हूँ जी, बिल्कुल लाइव है। अच्छा जी, शादी करनी थी मैंने। अच्छा, आपकी डिटेल बताइए, आपकी एज कितनी है, एजुकेशन, कास्ट वगैरह कहाँ से ताल्लुक है? I'm 25 years old. Yes. And I'm still at university. Right. Okay. And I'm at Manchester University at the moment. Okay. And looking for some really good Asian girl. Okay. What fine. And what's your status in UK? And I'm a proper UK resident. You're a British citizen. Yeah, born and bred here. Okay. That's fine. Excellent. Can you do us a favor, when the email address comes on this TV screen, make a note of it and send me your details through email and we'll take it from there on. Right, right, no problem. And so how does this work? I don't understand, because my mom told me to ring. My mom ne bataya phone karne ke liye, but जी, इट्स वेरी सिंपल। आप ईमेल एड्रेस हमें में अपनी डिटेल भिजवाइए, आपको रजिस्टर करेंगे, आईडी नंबर इशू करेंगे और फिर हर हफ्ते दो नंबर आपको दिए जाएंगे। पहली दफ़ा हम आपको देंगे, लेकिन उसके बाद हर हफ्ते आपको कॉल करना पड़ेगा हमारे ऑफिस में, वेंसडे या थर्सडे, दो दिन हमने स्पेशल रखे हुए। अगर लाइंस बार दफ़ा बहुत बिजी होती हैं, अगर आपका आपकी कॉल थ्रू नहीं होती, तो फिर दूसरे दिन फ्राइडे, ट्यूसडे, मंडे, किसी भी इन तीन दिनों में आप फ़ोन करके और कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट नंबर से ये होता है कि आप दूसरी पार्टी से बात करते हैं, अगर बात बन जाए तो वेल एंड गुड। आपके नंबर हम दूसरे जो मैच आपकी डिटेल्स को मैच करते हैं उनको भी हम देते हैं, तो इट वर्क्स बोथ वेज। एंड वी डोंट क्लोज योर फाइल अंटिल अनलेस यू गेट मैरिड, ओके? सो वी डोंट और हमारी साथ ज्वाइन करने की शर्त ये है कि यू हैव टू गेट मैरिड, सो दैट्स व्हाट बेसिकली इज सो वेरी सही। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, एच ई एल एल ओ जी। टेलीविजन का वॉल्यूम बंद करें। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। शोभा आप कैसी हो? ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक, अपनी सुनाओ। हाँ सब ठीक ठाक है, और अपने सुनाए कैसे आले? हाँ जी आले चंगे ने, तुसे सुनाओ कुछ बोल दे हो? हाँ मैं दुसबरी तो बोल रही हूँ, नूरी नाम है। हाँ नूरी के हाले ठीक ठाक हो? हाँ आंटी मैं ठीक, अभी मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए। हाँ जी क्या कर सकते हैं थोड़े वास्ते? हाँ भाई आंटी मेरे वास्ते ये कर सकते हैं कि मेरा भाई है किथे, ठीक है वो पाकिस्तान से आया हुआ है, तो उसको जो है ना स्टे भी हुई है, उसके तो गाड़ी भी पास है, तो बड़ा सोना काम है कि उसके कोल गड्डी भी है, उसके कोल नानी दा स्टे भी है, तो उन्होंने एक बुड्ढी चाहिए। हाँ सुनो पर अभी प्लीज प्लीज बुड्ढी चाहिए, कोई जिसकी जात की हो हमें बुड्ढी चाहिए। ठीक है जी बिल्कुल, तुहाडे प्राणों से बुड्ढी इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, 6-7 फुट का दे मालूम छे ना जी, 7 फुट कद। अच्छा जी ते तुसी इस तरह करो कि अपने पाई की रजिस्ट्रेशन सरन कराई छोड़ो, तो सो तनु बहुत खूबसूरत पाबी अच्छी अच्छी छोड़ सा, रखने में सही बोल। मेरा पाई खूबसूरत है ना कि बस उसके ना शादी आई थी इधर से, तो शादी करके आया था, इधर से शादी ब्रेक हो गई है, तो स्टे भी हुई हुई है, उसको गाड़ी भी उस पास है, तो सब कुछ उसके पास है, तो बस आप कोई अच्छी सी मेनू पाबी ले दो। अच्छा ठीक है, ओ पाबी ना जी प्राण पे जाई ना छोड़े। ठीक है जी, ईमेल करना सानू ते असी उदय साहब ना जैसे करेंगे। लेते नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हेलो, तुसे कुछ आखी छोड़िया जी? लियाकत ये बड़ी ट्रेजेडी है कि पहले शादी होती है, फिर वो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद वो कहते हैं जी कि जो भी कोई डिफरेंसेस होती हैं ज़हनी तौर पे होते हैं, या उनका कोई सोशल जो उनकी ज़िंदगी का कोई फ़र्क होता है, तो उसे ये होता है कि वो डाइवोर्स हो जाती है। हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवोर्स बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, अफसोस भी होता है, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने एक शिक रखी हुई है कि अगर मियाँ बीवी की आपस में ना बने और ज़िंदगी अजाब से अजाब तरीन होती जाए, तो फिर आपका हक बनता है, आपको खुला ले सकते हैं या तलाक ले सकते हैं। मेरे पास नाज़रीन काफ़ी सारे बच्चे बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके सिर्फ निकाह हुए हैं और उनकी रुखसती भी नहीं हुई, तो लेकिन जब निकाह हो जाए तो एक इंसान के ऊपर एक लग जाता है दाग डिवोर्स का, अगर वो रुखसती भी ना हुई, वो बिल्कुल कुंवारे लड़के लड़की हैं, इस तरह के भी हैं कुछ बच्चे बच्चियाँ, कुछ साल ज़िंदगी गुजारने के बाद तलाक से उनको फारिग कर दिया गया, तलाक याफ्ता बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ बड़ी उम्र के भी हैं, कुछ बच्चों के साथ है, कुछ बगैर बच्चों के साथ है। कहते हैं कि मायूसी गुनाह है, और मायूस होना तो बिल्कुल भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला की हमेशा इस चीज़ पर आप रहें, क्या कहते हैं, बिल्कुल मतवक्को रहें कि और बिल्कुल ये सोचें कि कभी भी ना उम्मीद ना हो, आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जगह पे आपको अपना भर मिल सकता है। बात वही है कि स्नोवर मैच सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना आईडी नंबर लें और हमसे रिश्ते लें, आपकी फाइल तब तक क्लोज नहीं होती जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए। जी स्नोवर एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, एक यंग लेडी वेल एजुकेटेड इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है, यूके और कुवैत से पढ़ी हुई हैं, आजकल पाकिस्तान में है, और वो चाहती है कि जल्द अज़ जल्द, क्योंकि पेरेंट्स उनके पाकिस्तान इस्लामाबाद में, वो चाहती है कि वहाँ से शादी करके वो यूके में आ जाएं। तो कोई भी ख्वाहिशमंद हज़रात अगर कोई डिटेल्स लेना चाहता है तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंजीनियर अगर हो तो शिवर प्रेफर दैट, अगर नहीं तो वेल एजुकेटेड पर्सन। तो कॉलर से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने ये पूछना था कि सिर्फ मीरपुर के लिए आप ये सर्विस है कि पाकिस्तान के लिए भी है? ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, जहां जहां पे भी कोई बैठा हुआ है पाकिस्तानी मुसलमान, हम यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, हर जात पात के लोगों से करवाते हैं। मीरपुर के लोग मल्टीकल्चरल है, ये मल्टीकल्चरल है, इसमें दूसरे मजहब के लोग भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, और हमारे मुसलमानों में अहले सुन्नत भी हैं, अहले तशरी भी हैं, तो ये मल्टीकल्चरल हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरी दुनिया से लोग रजिस्टर्ड हैं। जी फरमाइए। आपकी वेबसाइट है जी? आप ऐसे कीजिएगा, मैं ईमेल करें, अभी ईमेल एड्रेस आ जाएगा मेरे नाम का, बड़ा इजी है, आप जबानी याद कर सकते हैं, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप ईमेल करें। लेते हैं जी अगली कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम जी, की हाल है? ठीक हो जी? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक जी जी। अच्छा जी, मैं मैनचेस्टर तो बोलना पे आली जी, जी, जी साहब। मेरे भाई ने जर्मन होने गए ने तकरीबन ना उन्होंने कोई 4-5 महीने होए ने तो ना स्टे रहा उथे जी जी। उन्होंने शादी करनी थी। ठीक है, तुसी उन्हां दी डिटेल सानू ईमेल करो और जर्मनी दे किस शहर दे विच ने, हो सकता है साडे को जर्मनी स्टुटगार्ट रहंदे ने ओ जी। स्टुटगार्ट। अच्छा जी, ठीक है। और उम्र कितनी है उन्हां दी? माशाल्लाह किसी पाकिस्तानी फैमिली दे नाल करना चाहंदे ने। बिल्कुल सही है, जिस तरह तुसी चाहोगे उसे तरह असी। साडे कोल जर्मनी विच वी रिश्ते आ गए ने, अगर तुसी चाहंदे कि उन्हां नूं उस जगह तो उन्हां रिश्ते मिलन, बेल्जियम तो, हॉलैंड तो, डेनमार्क तो, पेरिस तो, स्पेन तो वी रिश्ते आ गए ने। अगर तुसी चाहंदे कि जो तुहाडियां रिक्वायरमेंट होणगीआं ना, ओह तुसी सानूं दसणीआं ने, यानी लड़की दी उम्र किन्नी होवे, ओहदी स्टेटस की होवे, ओहदे बाद ओहदी जात मजहब कद किस तरह दा होवे, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ। ਲੈਤੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਨਹੀਂ, ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਾ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਨੇਕ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਔਰ ਨੇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈ ਮਤਲਬ आप कह रही थे कि आजकल बच्चे बड़े नेक हैं, जो हम जब बच्चे थे हम नेक नहीं थे। नौबस्तफा ये सच है, और सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहूँगी, जान खुदा को देनी है। लेते जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा, आपका ईमेल क्या है? अभी आ रहा है, अभी ये प्रोग्राम ब्रेक के ब्रेक से पहले आ जाएगा, से पहले आ तो जाएगा। आप मेरे नाम का है, सीधा सीधा जनाब याद कर लें आप, प्यार मोहब्बत से, ठीक है? अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी के ऊपर लिखा हुआ आएगा अभी थोड़ी देर तक, ईमेल एड्रेस सब नोट कर लें जी जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने भाई के लिए एक ब्रिटिश लड़की चाहिए। सच्ची मुची जी? जरूर। अच्छा जी, मिलेगी जरूर। मेरा भाई सेकुरान है और उसकी उम्र 25 ईयर है। ओके, माशाल्लाह, बड़ी खुशकिस्मत है जी, आप हाफिज़े कुरान की बहन है आप। जी जी, कहाँ होते हैं आपके भाई? मेरे भाई पाकिस्तान में है। किस इलाके में है पाकिस्तान? पाकिस्तान सराय आलमगीर में। सराय आलमगीर जी। जी जरूर, आप ऐसे कीजिए, ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए और हमें डिटेल भिजवाइए, और आपको भाई, आपके भाई को रजिस्टर करके और उसी हिसाब से मैच ढूंढ के देंगे इंशाल्लाह जी। लेते हैं जी अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी? ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा आंटी, मैंने ना अपने देवर के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना है। हाँ जी जरूर, देवरानी तो होनी अच्छी चाहिए, मेरी अपनी देवरानी बड़ी अच्छी है, बड़ी स्वीट है। अच्छा, वैसे मुझे बहुत लड़ाइयों से डर लगती है, कहीं ऐसी ना हो कि मुझे आके कुटना शुरू हो जाए। नहीं नहीं, कुटने वाली तो नहीं आपको लाके दूंगी, मेरे ख्याल प्यार मोहब्बत वाली लाके देंगे जी। हाँ, देवर मेरे साथ रहते हैं, उसका स्टेटस इधर जो है तो स्टूडेंट है ना वो।
अच्छा। लेकिन वैसे बहुत ज्यादा मेरी मतलब जानने में भी हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं है, कोई ज्यादा है एज से, तो उसकी एज जो है तो 22 है ना। अच्छा। और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, 5 मेरे ख्याल से 5 फुट और 9 इंच कुछ इस तरह है। अच्छा। और बॉडी भी रंगत बहुत ज्यादा हैंडसम है, देखने वाली हर एक लड़की को अच्छे लग जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि मतलब करेक्टर सही नहीं होता है, तो खानदानी हो तो फिर आपको एक अच्छी लड़की घर के लिए चाहिए होती है इंशाल्लाह ताला। आप ऐसे कीजिएगा, पहले देवरानी हम आपको बहुत सारी दिखाएंगे देवरानियाँ, आप उसके जरा मसल्स वगैरह देख लीजिएगा कि स्ट्रांग ना हो, आपने जैसे कि कुटना शुरू कर दे तो अच्छी सी प्यारी सी, वही अभी आएगा ईमेल एड्रेस, तो उसके ऊपर आपने भाई देवर की पूरी डिटेल भेज दें, हम उसको रजिस्टर करेंगे, आईडी नंबर देंगे। जब तक आपके घर में देवरानी ना पूछा दें, हम इंशाल्लाह ताला आपकी फाइल को क्लोज नहीं करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए, क्या किया जाए आपके लिए? मेरा दोस्त है, वो सिख कम्युनिटी से उसका बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, और जर्मनी में है अभी। वो जर्मनी, जर्मनी में होते हैं और सिख हैं, जट सिख पंजाबी। हाँ जी। और उनकी एज कितनी है? एज उनकी है 25। और उनको एक जीवन साथी चाहिए पंजाबी सिख बरादरी। हमारे पास उनकी बरादरी की हैं, पिछली दफा बलदेव साहब भी आए थे, उनकी बड़ी डिमांड है। बलदेव साहब अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि एक ने खास तौर पे बड़ी आपके लिए ख्वाहिश का इजहार किया। अब ये दूसरे साहब आ गए हैं तो इंशाल्लाह ताला इनका भी करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। उनकी डिटेल भिजवा दीजिएगा, ईमेल एड्रेस ब्रेक में आएगा तो नोट कर लीजिए। लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा है, नोट कर लीजिए, स्नोवर के नाम से है, सो ईमेल कीजिएगा और विल टेक इट फ्रॉम देयर, फिर आपकी प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे। जी, और लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम प्लीज रहा, ऐसा कर दें। जी बात कर रहा हूँ। जी जनाब फरमाइए। सर कोई लड़की लब दे? जी लब देंगे, हुक्म करो तो ताड़ी अपनी डिटेल दसो। अगर सोनी जी कुड़ी लब दे जी, मेरी उम्र हैगी है 25 साल। 25 साल तुसी शोर नहीं 25 साल दे जी? ना ना शोर ना जी, 25 साल। हाँ जी, फिर 25 साल देखो ना, 25 साल दे कुछ भी हो सकता है। हाँ जी जनाब, एजुकेशन की है ताड़ी? जी पाकिस्तानी में बीए कीता है। जी ते सिंगल है गवा पिंडी तुमा में। ठीक है, तुसी थोड़ा जे जरा ज़हमत करना ते ईमेल एड्रेस है अपनी डिटेल जरा ईमेल कर दो, तो फिर असी ताड़े लिए ताड़ा जीवन साथी जरूर ढूंढेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत ताड़ी। जितने भी लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं प्लीज हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो नोट कर लें, और ब्रेक का टाइम हो रहा है, दिल में रखें, दिमाग से याद कर लें, बड़ा इजी है। इसमें छोटी सी ईमेल से आपके लिए शादी की राहें खुल जाती हैं, आपको जीवन शिकायत साथी देंगे, एक नहीं 100 दिखाएंगे, 99 आपके लिए शायद अच्छा ना हो, उनके लिए नचो, लेकिन एक बहुत अच्छा जीवन साथी आपको मिल जाएगा। और लेते हैं क्या ब्रेक? ले लें, मेरा ख्याल ले ही लेते हैं, आप ले लें, आपको बहुत अच्छी लगती है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आफ्टर कमर्शियल ब्रेक।